हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर चुके थे अपनी लास्ट वीडियो में अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि डी और एल जो हम लोग ये मेंशन करते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और कहाँ पे हम डी वर्ड यूज करते हैं और कहाँ पे हम लोग एल वर्ड यूज करेंगे। जिस तरह से देखिए, कई बार किसी प्रॉपर्टी की जब हम स्टडी करते हैं और उसके लिए जैसे किसी रेफरेंस को सिलेक्ट कर लिया जाता है, इसी तरह से यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स के केस में जो हमारे मोनोसेक्राइड्स है, मोनोसेक्राइड्स के केस में हमारे पास एक रेफरेंस है जिस सब्सटेंस का यूज किया जाता है, दैट इज द ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरल डिहाइड क्या होता है? ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और थ्री कार्बन आइटम्स इसमें प्रेजेंट है। मींस दिस ग्लिसरल डिहाइड इज एन एल्डो ट्रायोज, एक एल्डो ट्रायोज है। ये क्या होता है, ये देखिए सी एच ओ ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ कार्बन एच एंड ओ एच एंड सी एच टू ओ एच, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास में मोनोसेक्राइड है, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हमारे पास प्रेजेंट है। तो जो नाम रखे जाते हैं और डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के, डी है या एल है, उसको इससे ही कंपेयर करके देखा जाता है। देखिए, ये सबसे लास्ट में ग्रुप है, इससे ऊपर जो सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट कार्बन के लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड राइट साइड में कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है। एक ये वाला जो सब्सटेंस है जिसमें राइट साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है डी पॉजिटिव ग्लिसरल डिहाइड। इट मींस जो जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, जो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, जो इसके स्ट्रक्चर से रिजेंबल करेंगे, उनको क्या बोला जाएगा, डी बोला जाएगा। जैसे हम लोग ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये हमारे ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, इट इज थर्ड, फोर्थ वन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। हमें देखना होता है अपना सेकेंड लास्ट कार्बन, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन के राइट साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट है, मींस वो इस स्ट्रक्चर से क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, डी बोल दिया जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डी पॉजिटिव ग्लूकोज। इसका नाम क्या है, डी पॉजिटिव ग्लूकोज बोलते हैं, क्योंकि ये इसी के स्ट्रक्चर से क्या करता है, रिजेंबल करता है। तो इस तरह से डी और एल मीनिंग बोले जाते हैं। इसका जस्ट अपोजिट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसको एल बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा मोनोसेक्राइड्स एंड हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंसेप्ट है वो हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कौन सा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। यस, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रोटीन्स। तो सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स होते क्या हैं। प्रोटीन्स आर द अनदर टाइप ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स यूनिट डिस्कस कर रहे हैं और बायोमोलिक्यूल्स काफी टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर चुके हैं। उन्हीं में से एक बायोमोलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स जो बायोमोलिक्यूल है वो कौन है, प्रोटीन ही है। अब अगर आपको प्रोटीन्स को डिफाइन करना है तो आप क्या बोलेंगे, आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये बायोमोलिक्यूल की एक टाइप है, विच इज रिक्वायर्ड और विच इज नेसेसरी और विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। इसके लिए भी आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, बट इट इज द बायोलॉजिकल डेफिनेशन। हम लोग केमिस्ट्री में प्रोटीन्स को स्टडी कर रहे हैं, प्रोटीन्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री के वे में होना चाहिए, है ना। इसको हमें डिफाइन करना है थोड़ा सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। सो व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ, प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। जो अल्फा अमीनो एसिड्स होती हैं उनके पॉलीमर्स को क्या बोला जाता है, प्रोटीन्स बोला जाता है। तो एक नई टर्म यहां पे आई कि पॉलीमर्स क्या है। पॉलीमर्स हमारी 15th यूनिट हुआ करती थी क्लास 12th में, ठीक है, केमिस्ट्री में, लेकिन अभी इस ईयर वो यूनिट आपके सिलेबस से हटा दी गई है, नहीं तो हम लोग पॉलीमर्स को भी डिस्कस करते कि पॉलीमर्स क्या है। बट यहां हमें पढ़ना है कि प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, तो एटलीस्ट हमें पॉलीमर्स का मतलब तो पता ही होना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि इट इज अ मार्कर, एक मार्कर है सिंपल सा, ठीक है, सिर्फ एक मार्कर है आपके सामने, अगर मैं ऐसे ही बहुत सारे मार्कर्स को ला करके एक दूसरे के साथ अटैच करा दूं, उनके बीच में किसी तरह से कोई बॉन्ड बना दूं, अभी मेरे पास एक मार्कर है, सपोज मैं ऐसे 100 मार्कर्स ले आऊं और उन सबको एक दूसरे से क्या करा दूं, कनेक्ट करा दूं, देन द 100 मार्कर्स विल बी नोन एज द पॉलीमर्स। अगर हमारे पास कोई एक छोटा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एक सिंपलेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, और केमिकल्स की वे में अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज मेरे पास
एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, व्हाट इज दिस, इट इज इथीन, राइट। एक मॉलिक्यूल मेरे पास प्रेजेंट है इथीन का, तो ये एक मॉलिक्यूल क्या है, इट इज अ मोनोमर, सिंगल मॉलिक्यूल है, मोनोमर। अब n नंबर ऑफ इथीन्स अगर आपस में कंबाइन हो जाएंगे, n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो फिर ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्मेशन कर लेते हैं इस सब्सटेंस की, कि ये सारे एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, एंड दिस सब्सटेंस इज नोन एज पॉलीथीन। इथीन मोनोमर था और जो पॉलीथीन बना है, दिस पॉलीथीन इज द पॉलीमर। तो सिंपल सी बात है, छोटी छोटी चीजें मिलकर के अगर एक बहुत बड़ा सारा सब्सटेंस बना दे, बहुत बड़ा सारा कंपाउंड बना दे, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको पॉलीमर बोला जाएगा। तो प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड्स, यानी कि जब लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होती है, उनके जो पॉलीमर्स बनते हैं, उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट पॉलीमर का तो हमने समझ लिया है कि पॉलीमर्स होते क्या है। नाउ व्हाट आर दीज अल्फा अमीनो एसिड्स, देखिए इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर अमीनो आ रहा है। अमीनो मींस यू ऑल नो दैट NH2 ग्रुप इज द अमीनो ग्रुप, एंड एसिड्स हियर स्टैंड फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर ये अमीनो ग्रुप एज वेल एज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड्स बोलते हैं। कैसे इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सपोज आई हैव दिस आर एन ग्रुप CH NH2 COOH, ठीक है। अब हमने ये पढ़ रखा है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, सो दिस कार्बन इज द अल्फा कार्बन। सिमिलरली ये जो अमीनो ग्रुप है, ये भी इसी कार्बन के साथ अटैच्ड है, एंड इट इज द अल्फा। ओके, सो दीज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज द अल्फा अमीनो एसिड्स। अब मान लो ये एक अमीनो एसिड है, ऐसे ही लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स अगर आपस में कंबाइन हो जाएंगी, मींस वी विल हैव द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, राइट, एंड दीज पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स आर नोन एज द प्रोटीन्स। अब जो आर है हमारे पास, यहाँ पे आर आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है। सबसे सिंपलेस्ट तो मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ, आर को एच कंसिडर कर सकती हूँ, कि सबसे सिंपल से सिंपल मैं कौन सी एसिड यहाँ पे बना सकती हूँ, कौन सी अल्फा अमीनो एसिड बना सकती हूँ, इफ आई टेक आर एज हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन ले लेती हूँ आर ग्रुप को, तो क्या होगा, देखो ये एच सी एच एन एच टू सी ओ एच, एंड इट कैन बी रिटन एज एन एच टू सी एच टू COOH. Now this alpha amino acid is known as the glycine. इस amino acid का नाम क्या है? Glycine है. ठीक है, sweet होती है ये भी taste में. सबसे simplest alpha amino acid कौन है? Glycine है. क्यों? क्योंकि सबसे simplest हम यहाँ पे R क्या ले सकते हैं? Hydrogen ले सकते हैं. So it is the simplest alpha amino acid, glycine. Okay, glycine है ये. और हम क्या कर सकते हैं? If I am taking R as the alkyl group, CH3 group, then the acid will be CH3, CH, NH2 and COOH. This alpha amino acid is known as the alanine. ठीक है, names हैं, अलग अलग आपके पास काफी सारी acids होती हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे R को H ले लिया है, तो amino acid जो मुझे मिली है, that is the glycine. अगर मैंने यहाँ पे R की जगह ले लिया है methyl group, CH3 group, then this amino acid is known as the alanine. तो इस तरह से काफी सारी हमारे पास अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट करती हैं, लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स है। आपके एनसीईआरटी में इसका टेबल भी गिवन है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको सारी एसिड्स के नेम्स एंड सारी एसिड्स के ही आपको स्ट्रक्चर्स याद करने हैं, बट हाँ कुछ एक एग्जांपल्स हमें याद होने चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये जैसे सबसे सिंपलेस्ट है, तो इसका याद रखिए, ग्लाइसिन है, कहीं पे सपोज आपको एग्जाम्पल लिखना हो, और इनको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, GLY, ग्लाइन। एलेनाइन को कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ALA, एलेनाइन, ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास एक अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है, वन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज नोन एज द मोनोमर। अब जब बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, एन नंबर ऑफ मोनोमर्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, मींस जब एन नंबर ऑफ ग्लाइसिन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो वो जो पॉलीमर बनाएंगे, दैट इज नोन एज द प्रोटीन, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। सेम इज द केस फॉर एलेनाइन, सेम इज द केस फॉर अदर डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये बात होगी अल्फा अमीनो एसिड्स की और उनके पॉलीमर्स की, जिनको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन्स बोल रहे हैं। नाउ आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज द टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स।
ठीक है। अब अगर हम लोग प्रोटीन्स की स्टडी कर रहे हैं, अगर हम लोग प्रोटीन्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमने देखा कि अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स को ही प्रोटीन्स बोला गया है, तो हमें अल्फा अमीनो एसिड्स की तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए ना। तो यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को भी हम लोग दो अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम जिस तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं उस बेस पे अमीनो एसिड्स जो है वो हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। फर्स्ट आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एंड अदर आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। दो टाइप के एसिड्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में इन एसिड्स की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे जो आपके अमीनो एसिड्स हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, दो टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया गया, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से आपको अलग अलग इन दोनों को ध्यान रखना है। देखिए नॉन एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जो एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल का मतलब जो एसेंशियल है, जो जरूरी है, जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो नेसेसरी है, दीज आर द एसेंशियल। बट एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल हम किस वे में यहाँ पे बात कर रहे हैं इन दोनों की। देखिए क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो काफी टाइप के एसिड्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। हमारी बॉडी बहुत सारे अमीनो एसिड्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। उन अमीनो एसिड्स की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट भी होती है और हमारी बॉडी खुद से ही उन एसिड्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो वो सारी एसिड्स जो हमारी बॉडी अपने आप से प्रोड्यूस कर रही है, हमें किसी सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें उन एसिड्स को लेने के लिए, एक्वायर करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट है, नहीं। हमारी बॉडी अपने आप ही उन एसिड्स को क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रही है। सो ऑल दीज टाइप ऑफ एसिड्स आर नोन एज द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बट व्हाट आर दीज एसेंशियल अमीनो एसिड्स? अब वो एसिड्स जो एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, जिनकी नीड है, जिनके रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, लेकिन हमारी बॉडी अपने आप इन एसिड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी आर डिपेंडेंट ऑन सम एनी एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, किसी एक्सटर्नल सोर्स पे हम डिपेंडेंट है इस टाइप के एसिड्स के लिए। तो दो बातें हो गई कि दो टाइप के एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी को नीडेड है, रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है, लेकिन उनमें से कुछ एसिड्स ऐसी हैं जो बॉडी अपने आप ही क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, किसी एक्सटर्नल सोर्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको तो बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल तो है, नेसेसरी तो है, बट हमारी बॉडी उन एसिड्स को प्रोड्यूस नहीं करती है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें डाइट से क्या करना होता है, उन एसिड्स को ऑब्टेन करना होता है। उन सभी एसिड्स को क्या बोला जाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बहुत सारी एसिड्स हैं, बहुत सारी अमीनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक हमारे पास होती है अमीनो एसिड ल्यूसाइन, ठीक है। अब इनके नेम्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि कई बार ना एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नेम बताइए। तो वेलाइन है हमारे पास, ठीक है, ल्यूसाइन है, आइसोल्यूसाइन होती है। तो बहुत सारे हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड्स आप याद कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में जो टेबल गिवन है अमीनो एसिड्स का, उसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी अलग से गिवन है, ठीक है, आप उनको अच्छे से याद कर सकते हैं। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स काफी सारी हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, दो एसिड्स हम लोगों ने लिखी थी यहाँ पे, लाइक ग्लाइसिन थी, ठीक है, एलेनाइन है, ये क्या है, ये सारी जो अमीनो एसिड्स हैं, दीज आर द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया थोड़ा सा प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स होते क्या हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होती हैं, पॉलीमर्स क्या है, और हमने टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी एक और तरीके से, अब आपने देखा कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर NH2 एज वेल एज COOH ग्रुप, ये दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अब कितने नंबर ऑफ ये ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, कितने अमीनो ग्रुप्स हैं, कितने कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं, इन बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद दोस टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ओके, थैंक यू।